तो फेल की फैमिली, लास्ट वीक सीएम पंक ने अपनी हार्डकोर चैंपियनशिप डिफेंड नहीं की थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज हफ्ते की शुरुआत में ही सीएम पंक अपनी हार्डकोर चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे, वो भी सात और खतरनाक सुपरस्टार से। और आज मुझे पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से फीलिंग आ रही कि ये मैच तो जॉन सीना जीतने वाले और एक बार फिर से सीना के पास हार्डकोर चैंपियनशिप आने वाली है। तो ये ऑब्वियसली एट मैन गॉन्टलेट सर्वाइवल एलिमिनेशन मैच है, 60 सेकंड में एक एक सुपरस्टार आते जाएंगे और पीपल्स चैंपियन रॉक सर की किस्मत खराब है कि एक नंबर से आए, साथ में सस्ते अंडरटेकर को भी लाए, दोनों एक दो नंबर से, ऑब्वियसली जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पर रॉक अगर पीटते रहे सस्ते अंडरटेकर को तो हो सकता है कि लास्ट तक टिके रहे। सर मिज ने ऐसा किया था एक बार, 1-8 नंबर तक टिके हुए थे, लेकिन आज जो टिकना और ज्यादा मुश्किल है क्योंकि नॉकआउट भी ऑन है, तो वो भी एक दिक्कत है भाई, ज्यादा मार खाओगे या फिर ये भी हो सकता है कि एक फिनिशर खाओगे और नॉकआउट हो जाओगे। तो रॉक सर सस्ते अंडरटेकर का फिनिशर बचा के डेमियन प्रीस्ट को ना, सब सस्ता अंडरटेकर नहीं कुछ और बोलते हैं, वो तो मैं हिंदी में थोड़ा ताकि फैमिली फ्रेंडली रहे वीडियो, वरना डेमियन प्रीस्ट कैसे गंदे गंदे नाम है ना जो मैं बोल भी नहीं सकता। ऊपर से WWE में तो एक और ट्रोलर है ही, ड्रू मैकइंटायर, उन्होंने भी उल्टा सीधा नाम रख दिया है, बेचारे डेमियन के साथ गलत हुआ सिग्नेचर, लेकिन लगाया लड़के ने दो दो फिनिशर है डेमियन के पास, चलाकी कर रहा है, सिग्नेचर के बाद डायरेक्ट फिनिशर, तीन नंबर पे एले नाइट। आई थिंक आज चैंपियनशिप मैच में मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट टाइम एले नाइट को लेकर आ रहा हूँ, पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा लाने में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हो सकता है एले नाइट आज आते के साथ अपने डेब्यू चैंपियनशिप के मैच में हार्डकोर चैंपियन बन जाए, ऐसा हो सकता है। रॉक की रेजिलेंस इतनी जल्दी कैसे चली गई, रॉक सर ये क्या कर दिया, बहुत भारी गड़बड़, इतना जल्दी रेजिलेंस यूज नहीं करना चाहिए था, वो भी एक सिग्नेचर एक फिनिशर में, सर 90 प्लस ओवरऑल है, कम से कम दो फिनिशर के बाद अपना यूज करना चाहिए रेजिलेंस, मतलब ठीक है चलो एलिमिनेट होने से तो बेटर ही है, लेकिन एलिमिनेट नहीं होते मुझे नहीं लगता, बॉडी ऑरेंज ही थी भाई, वो भी अंडरटेकर ही मैं बोलने लगा, डेमियन प्रीस्ट का फिनिशर ऐसा है कि उतना भी पावरफुल नहीं है कि पिनफॉल हो जाता, क्योंकि ओवरऑल कम है डेमियन प्रीस्ट का। अब जो नेक्स्ट ईयर वाला गेम आएगा उसमें तो ऑब्वियसली क्योंकि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गया डेमियन प्रीस्ट, तो उसमें तो ज्यादा रहेगा, पर अभी फिलहाल फिनिशर का असर इतना भी ज्यादा नहीं हुआ होगा, खास करके जिसका 90 प्लस ओवरऑल है उसको तो कम ही डैमेज देगा। चार नंबर पे जी उसो सीएम पंक, जितना लेट से आओगे जीतने के चांसेस उतना ज्यादा बढ़ेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 8 नंबर पे आओगे तभी जीतोगे। वो आते के साथ एले नाइट अपने डेब्यू मैच में, मतलब डेब्यू चैंपियनशिप मैच में एक फिनिशर के साथ एलिमिनेट, जेउसो वर्सेस रॉक। डेमियन प्रीस्ट अच्छा दिमाग लगा रहा था भाई, बाहर घूम सकता था क्योंकि बाहर पिनफॉल सबमिशन नहीं था और कोई बाहर आता भी नहीं, ये जे के पास अच्छा टाइम था, पता है क्या, रॉक और डेमियन प्रीस्ट को एक साथ लगा देने का लाइन से और कूद सकता था या फिर कुछ अच्छा मूव दिखाता, लेकिन जे ने ऐसा किया नहीं। जी अभी भी चांस है, दौड़ा देना कॉर्नर में, नहीं दौड़ाते यार ये लोग, जब तक किसी के पास डबल फिनिशर वाला मूव नहीं ना हो जैसे जॉन सीना या फिर अंडरटेकर केन, रोमन के पास भी आई थिंक कुछ है डबल लोगों को देने के लिए, ब्रॉक के पास डबल F5, अगर तीन लोग हैं रिंग में तो ये तो सबसे अच्छा मूव है कि दो अपोनेंट को कॉर्नर में ढकेल लो, क्योंकि एक टाइम पे दोनों को मार सकते हो, तो ये एक तरह से फायदा है। रॉक ने अपना फिनिशर लगा दिया, जे का ऑब्वियसली पिनफॉल तो नहीं होगा, प्लस रेजिलेंस भी है जे के पास, जे का ओवरऑल ना नेक्स्ट ईयर और ज्यादा रहेगा देखना। 5 नंबर पे जॉन सीना जैसा, देखो याद रखना मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, आज मुझे फीलिंग आ रही है कि जॉन सीना जीतने वाले हैं, अब ये फीलिंग गलत भी हो सकती है, हो सकता है सीना आते के साथ एलिमिनेट हो जाए, स्क्वॉश वाली फीलिंग नहीं, आज स्क्वॉश नहीं, सीना नंबर वन कंटेंडर हो किंग ऑफ 2K24 के लिए, तो स्क्वॉश तो मत ही हो ना, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना वरना बहुत बेइज्जती होगी, और ये तो ऑफिशियल वाली सीना है जो रोमन से फाइट करेंगे। जियोसो बड़ा अच्छा खेल रहा है भाई, स्पीयर पे स्पीयर, एक एलिमिनेशन भी करा आते के साथ, रॉक का सेकंड एलिमिनेशन पीपल्स चैंपियन का, जे बहुत अच्छा खेल रहा है, एक और स्पीयर भी देने जा रहा था, आई थिंक तीसरा एलिमिनेशन जियोसो के नाम हो सकता है। सीना बीच में आने की क्या जरूरत है, उड़ता तीर सीना को लेने की आदत है, अभी भी ऐसे तीन लोग और बचे हुए ना, को जियोसो नजर नहीं आ रहा था क्या, सीना ही को लगाया सिग्नेचर, चलो वो तो अच्छा है कि सिग्नेचर ही लगाया फिनिशर नहीं लगाया, पर अब इसके पास फिनिशर भी आ चुका है। सीना अभी तो फिनिशर यूज करना ही मत, क्योंकि अभी तो फिनिशर ज्यादा कुछ फायदा होगा नहीं, प्लस की टेंशन ये कि सामने वाला अगर बच गया, चैंपियन आ रहे हैं 6 नंबर पे, सामने वाला बच गया तो वो फिनिशर छीन के उल्टा सीना ही को चिपका देगा, ये बचना मत भाई, पहली बार ऐसा हुआ है, देखा सीना ने एलिमिनेट स्क्वॉश,
जो जी इतना अच्छा खेल रहा था इसको एक फिनिशर में निपटा दिया है। इससे पहले भी फिनिशर लगा था क्या? ओ नहीं नहीं नहीं, रॉक ने भी एक फिनिशर दिया था, लेकिन फिर भी सीना का भी एक एलिमिनेशन हो चुका है। सीना ये सस्ते टिकर को भी एलिमिनेट कर देते ना, सीएम पंक का गेम हो जाए आज एक फिनिशर में, क्या बोलते हो? चैंपियन में भी चेंज हो सकते हैं। डेमियन प्रिंस तो हल्के हल्के में आके बहुत अच्छा खासा टिक गया है, जो कि मुझे रॉक के लिए लग रहा था कि एक नंबर में भले ही आ गए पर रॉक एंड तक टिकेंगे। डेमियन प्रिंस वेल डन भाई, वो भली पसंद हो नहीं हो लेकिन जहाँ अच्छा खेले है तारीफ करनी बनती है। अब इतना अच्छा खेल लिया डेमियन, अब एलिमिनेट हो जा, इतनी भी ज्यादा तारीफ हजम नहीं होगी क्या? मतलब भाई रियल लाइफ में तो चैंपियन है ही, डेमियन की बात कर रहा हूँ मैं, और अब यहाँ भी बनना है, यहाँ दूसरों के लिए छोड़ो अब, और खास करके सीना के लिए छोड़ो, क्योंकि लास्ट टाइम सीना ही थे हार्डकोर चैंपियन, सीएम पंक ने छीना था। सीना आज ये चीज को चेंज कर सकते हो। अच्छा, सीना के पास चैंपियनशिप आ गई तो एक नुकसान भी है, फिर सीना को डेली नहीं ला सकता क्योंकि टाइटल रहेगा सीना के पास, तो वो एक दिक्कत भी है। पर अच्छा लगेगा सीना के पास चैंपियनशिप आ गई, 2-3 हफ्तों तक सीना रिटेन करते रहे। 7 नंबर पे द लेजेंड किलर वाइपर रैंडी ऑर्टन, जिनके लिए ऐसे रूमर्स है कि शायद कोडी रोड्स को हरा कर रैंडी ऑर्टन के पास चैंपियनशिप जाएगा, शायद शायद ऐसे रूमर्स चल रहे हैं। फिर ये रॉ रंबल मैच होता भाई, सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन एक ही टाइम पे एलिमिनेट होते, काफी कूल मूवमेंट बनता, लेकिन क्या करोगे, ये वैसा मैच है नहीं, गॉन्टलेट एलिमिनेशन मैच है। रैंडी ऑर्टन नाचने क्यों लगे? डेमियन प्रिंस को अब तो जाना ही, बहुत मार खा चुका है, रेजिलियंस भी है नहीं या जा चुकी है, जो भी। डेमियन 2 एलिमिनेशन, सीना का 2 एलिमिनेशन हुआ है, याद रखना। लास्ट सुपरस्टार कौन है? अभी तक एक सुपरस्टार और आना बाकी है, कौन बच गया भाई, कौन है वो लकी आदमी? तो आराम से आराम करके इतना टाइम लेकर जब पूरा मैच ऑलमोस्ट खत्म है आराम से आ रहा है, कौन है वो भाई? लास्ट सुपरस्टार कौन बचा? मुझे ध्यान भी नहीं है। एलियन नाइट भी आ गया, डेमियन, रॉक, जेउसो, जो भी अभी पता चली जाएगा, क्योंकि जो भी सुपरस्टार है बहुत ज्यादा लकी है भाई, 8 नंबर पे आ रहा है। सीएम पंक को बल्कि 8 नंबर पे आना चाहिए था क्योंकि चैंपियन थे। ड्रू मैकइंटायर आ रहे, सीएम पंक, ड्रू मैकइंटायर एक ही यूनिट है यार, सीएम पंक आए या फिर ड्रू मैकइंटायर आए, तो ड्रू को रियल लाइफ में सीएम पंक जीतने नहीं दे रहे। ड्रू के पास अभी मौका है सीएम पंक को उनका टाइटल हरवाने का। सीएम पंक क्यों सीना के पीछे क्यों पड़े हो? देखो दुश्मन आ गया है, आर क्यों? फिलहाल तो रैंडी ऑर्टन ने लपेट दिया, कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ड्रू हलवा मिल चुका है, अब जीत गए हो आराम से। नहीं पर रैंडी ऑर्टन की भी फुल हेल्थ है, अरे रे रे, पूरी भीड़ में सीना ही दिखता है सबको, लगाया क्लेमोर किक सीना ही को, गया रेजिलेंस नहीं का सीना, ये जोश, इस जोश को मेंटेन करके रखना, क्योंकि किंग ऑफ 2K24 के फिनाले में रोमन के साथ भिड़ना तो इसी जोश के साथ भिड़ना, रेजिलेंस ही यूज मत करना जल्दी, जबकि सीना को इस मैच में एक सिग्नेचर एक फिनिशर ऑलरेडी लग चुका है। बहुत बढ़िया, आज रैंडी ऑर्टन ने भाई आरकेओ की दुकान लगा दी है। ऑर्टन का ये सेकेंड एलिमिनेशन हो सकता था पर नहीं हुआ है। चलो आज तो ये कंफर्म है कि कोई न्यू हार्डकोर चैंपियन बन रहा है ड्रू मैकइंटायर, टाटा ही नहीं होता है ड्रू का, 2 फिनिशर लग चुका है लेकिन। अरे पिनफॉल हो गया, लगा नहीं था भाई मुझे, ड्रू मैकइंटायर क्या कर लिया? मतलब ठीक है रेजिलेंस मीटर नहीं था, पर ड्रू सिर्फ सीएम पंक के लिए आए थे क्या मैच में? सीएम पंक चले गए तो इतना मतलब अपसेट हो गए कि ड्रू ने भी अपने आप को एलिमिनेट करवा लिया, वाह वाह वाह। सीना पिनफॉल मत करवाना, दूर दूर तक अभी नहीं होना चाहिए, रेजिलेंस भी नहीं जानी चाहिए। सीना के पास सिग्नेचर है ऑटन की, लेकिन फुल हेल्थ है भाई, इसका क्या करेंगे सीना? अब इन दोनों पे मैच आ गया है, दोनों में से कोई एक हार्डकोर चैंपियन बन रहा है। रैंडी ऑटन अभी तक जब भी ये टाइटल वाला जब से स्टार्ट हुआ है ना, अभी तक कोई सिंगल्स टाइटल नहीं जीता है। ऑटन ने एक बार सीएम पंक के साथ टैग टीम टाइटल जीता था, लेकिन सिंगल्स टाइटल हो सकता है कि आज ऑटन जीते, या फिर सीना 2-टाइम हार्डकोर चैंपियन बनने वाले हैं। सीना की किस्मत देखो भाई, हर बार हार्डकोर ही चैंपियनशिप हाथ में आ रही है, जबकि और भी सीना को मैंने वर्ल्ड टाइटल की मैचेस में रखा है, लेकिन कोई नहीं, सीना 2-टाइम हार्डकोर चैंपियन साउंड्स गुड, लेकिन जीतना था सीना डीडीटी, कोई नहीं, सीना के पास रेजिलेंस है, अभी भी चांस है कि शायद सीना जीतने में थोड़ा मेहनत लगेगी लेकिन जीत सकते हैं। सिग्नेचर में नॉकआउट हो गए रैंडी ऑर्टन को, ज्यादा ही आसानी के साथ आज से जीत गए, कोई नहीं वाइपर, कांग्रेचुलेशंस। तो मैं आज ही बोल रहा था कि रैंडी ऑर्टन जब से ये टाइटल वाला स्टार्ट हुआ है 1 महीने से, तब से रैंडी ऑर्टन ने एक भी सिंगल्स टाइटल नहीं जीता है, एक बार टैग टीम टाइटल जीता था,
लेकिन इस चीज को ऑर्टन ने आज चेंज कर दिया। क्या चवन्नी मुस्कान दे रहे हो ऑर्टन, सीना के मुंह से टाइटल को चीना है, वो भी डीडीटी लगा के आरक्यू से भी हारते सीना, तो मैं उतना नहीं रोता, लेकिन क्या करोगे आप। तो चलिए फिर आर्मी में मिलता हूँ कल, जब डीन एम्ब्रोस और रोमन अपनी टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे 2-4 टीम से, देखते हैं कल कितनी टीम आती है। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि रोमन और डीन कौन कौन सी टीम से फाइट करने चाहिए टैग टीम टाइटल के मैच में। और फिर आर्मी, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 500K सब्स के हम लोग बहुत ज्यादा नजदीक है, जल्दी कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।